हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल भदौरिया जेएस क्लासेस में। आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए तो फिर अपन अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाइए और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका स्वागत है भदौरिया जेएस क्लासेस में। आप सभी को राधे राधे। सभी को अमेरिकन कुमार कह रहे हैं राम राम सर, राम राम। क्यूटी जैन हेलो। मनीषा गुड इवनिंग। ओके सतीश द्विवेदी कह रहे हैं आर्मी में पैसा लगता है। देखिए बेटा, हमेशा हर एग्जाम में कुछ ना कुछ लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमसे किसी ना किसी कंडीशंस में जुड़ना चाहते हैं या हमारे साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। तो अगर मेरा डिसीजन यही रहेगा या मेरा सुझाव यही रहेगा आपको कि कभी भी ऐसी लोगों पे भरोसा मत करो जो आपको झांसा देते हैं नौकरियों का, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं इस एग्जाम्स के समय। तो आप सभी लोग थोड़ा सा अपना पेशेंस का भी ध्यान रखिए। अगर आपको अपने ऊपर गट्स है तो किसी पर भी ध्यान मत दीजिए, ठीक है? तो देखिए, चलिए बढ़िया देख लेते हैं। ओके मोस्टली रागनी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोनू शर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग राहुल। दिख नहीं रहे? हाँ राहुल, मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि आज की क्लास विदाउट एक दिन एक्सपेरिमेंट किया है कुछ नया कि लोग मुझे ना देखें, केवल मेरी आवाज़ सुने तो टेस्ट कैसे लिख पाते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोगों को टेस्ट तो आपको प्रॉपर तरीके से देना है। कल से लाइव आ जाया करेंगे, आज आज थोड़ा सा दिक्कत ही है थोड़ी सी अभी, तो इसके बाद में मैं कल से ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और मैं अपना चेहरा भी आपको दिखाऊंगा कल पक्का, डेफिनेटली, ठीक है? चलिए रागनी गुड इवनिंग। ओके काबिलियत पर भरोसा रखो, सिलेक्शन जो तो झटकों में मिलते हैं। हाँ ये संदीप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। मोस्टली यही चीज़ें आप लोगों को हमेशा से अपने लिए बनाना है कि हमेशा अपनी काबिलियत को समझो, उसी के अनुसार कार्य करो, ठीक है? चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं और क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखिए, आज का जो क्लास रहेगा वो मोस्ट अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन का ही टेस्ट है, एसआई से रिलेटेड टेस्ट है। तो संदीप ने मुझे कहा था सुबह की सर व्यापम से रिलेटेड कुछ चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो व्यापम का लेवल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा चेक कराऊंगा। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं डाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, लेकिन अभी बहुत कुछ आना बाकी है आपको। आज बहुत बड़ी क्लास नहीं रखेंगे तो छोटी सी क्लास रखिए, ठीक है? जी सर आप बोल दिए हैं हम उनको मना कर देंगे। ओके सतीश कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने ऊपर और जितना बेहतर कर पाओगे उससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलिए राधे राधे आप सभी को। चलिए तो फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आप सभी लोग प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। जितने ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे उतने ज्यादा दोस्त हमसे ये जुड़ पाएंगे। तो फिर मैं क्लास को अपनी को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो मैं क्वेश्चन है वो चालू कर देता हूँ, तो जल्दी जल्दी अगर आपने शेयर नहीं किया है दोस्तों को तो शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए पहले शेयर कर दीजिए, मैं एक सेकंड में आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपको क्लियर करना है, एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है, वह क्यों ऊपर आती है? ये क्वेश्चन है। अंदर से खाली होती है, रबर से बनी होती है, यह बहुत हल्की होती है और वायु के प्रतिरोध को कम करने में सक्षम होती है, या ऑप्शन 4 इसमें प्रत्यस्थता का गुण होता है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके आप लोग बता देंगे, तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करिए, देखते हैं कितने लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है आप में से। चलिए बढ़िया, सभी ने कर दिया है तो थैंक यू आप सबको। देखिए इसका जो आंसर है, रागनी परियार मनीषा यादव बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रही थी, प्रिंस यादव ने भी बिल्कुल करेक्ट दिया। देखिए मैं अगर इसको आंसर्स को क्लियर करूंगा तो आपके लिए जो ऑप्शंस बनेगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए हमेशा से एक फुटबॉल जो होती है उसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, इलास्टिसिटी का गुण होता है। इसके कारण ये क्या होता है, जब भी वो जमीन पर गिरती है तो इसके बाद में वो कहां जाती है, ऊपर जाती है या जंप करती है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं डाल देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट चमड़े के खिलौने में जीआई टैग है, तो बताइए किसके चमड़े के खिलौनों में जीआई टैग है? इंदौर, टीकमगढ़, धार, दतिया। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके मुझे बताएंगे आप लोग कि किसके चमड़े के खिलौनों में जीआई टैग है, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। छोटू सिकरवार बिल्कुल करेक्ट है अभी तक, देखिए मैं बता दूं आप लोगों ने छोटू सिकरवार बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। चलिए बढ़िया,
देखिए यहां पर जी सतीश, कोई बात नहीं, आगे अभी एसआई का टेस्ट है तो आप इसको कवर करिए। तो यहां पर जो आंसर्स बनेगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो देखिए यहां पर क्या है, इंदौर। देखिए हमेशा से इंदौर के जो चमड़े के जितने भी खिलौने आएंगे उनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो ये उत्कृष्टता का प्रतीक होते हैं, जीआई टैग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। के सी नियोगी, महावीर त्यागी, के संतानम, वाई वी चावड़। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए वेरी गुड, सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। मैं इसको भी चेक करा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके जो आंसर्स बनेंगे वो होंगे के सी नियोगी। पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, के सी नियोगी। आपको याद रखना है कि के सी नियोगी हमारे लिए क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, इसको स्थापित करने वाले कौन थे? ऑप्शन ए दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन बी सी बाई मुदलियार, ऑप्शन थ्री आनंद मोहन बोस, ऑप्शन फोर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। देखिए मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों के आंसर्स की, अभी तक आप लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं दिया है, केवल मनीषा यादव को छोड़ दिया जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, दादाभाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर्स बनेगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो दादाभाई नौरोजी थे, इसको क्लियर करना है। बहुत से लोगों ने बिल्कुल गलत किया है इसको, तो क्लियर करना है इसको, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो संस्थापक बने थे वो दादाभाई नौरोजी थे। चलिए अभी कुछ स्टूडेंट्स ने क्लियर दिया है, मोनू शर्मा, दाऊजी, संदीप, देवेंद्र और गणवत तोम्बरे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ईरान, यानी ईरान की मुद्रा क्या है? तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे, रेनमिनबी, रियाल, रूबल या दिनार। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। नहीं सर मेरा गलत है, ओके कोई बात नहीं, क्वेश्चन में नंबर नहीं दिए जी, आज नंबर नहीं दे पाए, थोड़ा सा मैं आज एक पार्टी में गया था और उसके बाद अभी जस्ट लौटा हूँ, तो उसके बाद में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी तो नंबर सेट नहीं कर पाया जल्दी में, तो वो ऊपर नीचे हो गए थे तो मैंने फिर उनको साफ कर दिया, तो थोड़े भी जल्दी में साफ भी नहीं हुए हैं, है ना। चलिए तो अभी तो आपको नंबर नहीं देखने, क्वेश्चन क्लियर करने, तो जल्दी जल्दी क्लियर करिए। चलिए वेरी गुड, सभी लोगों का रियल्स ऑप्शन है तो मोस्टली करेक्ट ही है सबका। तो मैं बता देता हूं आपका आंसर्स क्लियर करा देता हूं, यहां पर जो आंसर्स होगा ईरान की जो मुद्रा होगी वो रियाल होगी, ठीक है। देखिए अभी तक हमने तीन या चार टेस्ट लिए होंगे, शायद आज ही हमने तीसरा टेस्ट ले रहे हैं ये शाम को, तो आपको याद होगा कि इस टेस्ट के जरिए आप लोगों ने देखा होगा कि रियाल ये एक या दो सेट पेपर में हमें वैसा का वैसा ही दिया है ना रियाल। संदीप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो सर, जी कर रहा हूं और इसीलिए थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा जरूरी था और 10 लोगों का ही बुलावा था बस, तो वहीं से वहीं पर गया था बस, है ना, और जाना जरूरी था इसी वजह से, वरना तो मैं 3 महीने हो गए अपने कमरे से बाहर ना निकला। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करेंगे, इंदौर, ग्वालियर, मांडू, अमरकंटक। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहां स्थित है हम बात करें तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इंदौर, ग्वालियर, मांडू, अमरकंटक। प्रिंस यादव पास, अच्छा क्वेश्चन को भी पास कर दें, चलिए बढ़िया। मनीषा बिल्कुल करेक्ट है, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया मनीषा ने, सबसे पहले मनीषा ही का आंसर था और बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैं क्लियर कर दूं, यहां पर जो कांच मंदिर बनाया गया है ये इंदौर में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है जो प्रसिद्ध स्थल कांच मंदिर है वो कहां पर है, इंदौर में है। तो ये आंसर्स फर्स्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा, ऋतिक बिल्कुल क्लियर है, रागनी भी, राहुल भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो आप सभी लोगों ने अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रानी दुर्गावती डॉट डॉट राजकुमारी थी, कहां की राजकुमारी थी?
ऑप्शन है गुर्जर वंश की, इनमें से कोई नहीं, चंदेल की, परमार की। तो बताइए मुझे कि आपको कौन सी स्टेट की ये राजकुमारी लगती हैं, आंसर्स बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही मैं कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों लाइक जरूर करते रहिए चैनल को, है ना। चलिए, छोटू सी गरबा बिल्कुल करेक्ट है और इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, बाकी के सभी लोगों का करेक्ट ही है। तो क्वेश्चन को चेक करा देते हैं, यहां पर जो आंसर होगा वो होगा चंदेल, ठीक है। तो रानी दुर्गावती जो थी वो चंदेल वंश की राजकुमारी थी, कहां की राजकुमारी थी, चंदेल वंश की, ओके। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, वो देखिए। हाउ मेनी डेज डज द फेयर ऑफ बर्मान गो ऑन फॉर। तो देखिए आपको याद करना है फोर कि बर्मान का मेला कितने दिनों तक चलता है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करना है, 15, 12, 14, 13, तो कितने दिनों तक चलता है। ऋतिक यहां पर थोड़े से गलत हो गए हैं, बहुत ज्यादा नियरेस्ट ही है लेकिन गड़बड़ है, ठीक है। चलिए, क्यूटी जैन भी सही नहीं है, अभी मनीषा यादव भी सही नहीं है, देवेंद्र भी सही नहीं है, छोटू भाई मेरा सर देखते रहना जी, राहुल तुम्हारा भी देखता रहूंगा, सीता गुर्जर 14, छोटू सिकरवा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए छोटू के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूं कि देखिए बरमान का मेला आपको पता है नरसिंहपुर जिले में आता है, बरमान नरसिंहपुर जिले में जो मेला लगता है ये 13 दिन के लिए लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है। किस संक्रांति के दिन? मकर संक्रांति के दिन ये मेला लगता है, ठीक है। मकर संक्रांति आप देख लेंगे, मकर संक्रांति के दिन ये मेला लगता है, 13 दिन तक मेला लगता है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये कभी कभी बहुत ज्यादा 1 महीने तक ये मेला चलता रहता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिक्स डेट इसकी 13 दिन की है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है ये क्वेश्चंस, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी में डालता है क्योंकि ज्यादातर बुक्स इसे 1 महीने तक का मेला मानती हैं। आपको याद रखना है ये 13 दिन चलता है, ठीक है। हाँ, ये क्यूटी कहां पर लगता है तो ये पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं नरसिंहपुर जिले में लगता है, ठीक है। बरमान कहां पर है? नरसिंहपुर में, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, नरसिंहपुर, ठीक है। चलिए आपको आना है लड्डू खाने, क्या हुआ छोटू, देखेंगे जरूर आएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे, मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। आठ, सात, नौ, दस, जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। दोस्तों एक चीज और बताना है, क्वेश्चंस का पैटर्न आज का तो सही है, आप लोगों को क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना, नौ दस सभी लोग गलत है अभी, और यहां पर मोनू शर्मा करेक्ट है केवल। देखिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चंस का पैटर्न चेक करना है, उसके हिसाब से आपको क्लियर करना है। यहां पर जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है, 7। तो मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के क्षेत्रीय जो कार्यालयों की संख्या है वो 7 है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हु इज नोन एज द फर्स्ट मराठा सूबेदार ऑफ मालवा, यानी मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मल्हार राव होलकर, खंडे राव होलकर, भोजी राव होलकर, माले राव होलकर। तो बताइए जल्दी जल्दी आपके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। और दोस्तों आपको चैनल को लाइक करते हुए जरूर चलना है, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को आप जब सब्सक्राइब करें तो उसके बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे क्या होगा चैनल के जो नई लिंक्स होंगी वो आप तक मिलती रहेंगी और लगातार आप नए नए वीडियो को फॉलो कर पाएंगे या उन्हें देख पाएंगे। चलिए दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और इस क्वेश्चंस को मैं पहले क्लियर कराता हूं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर्स बनेगा वो आपका बनेगा मल्हार राव होलकर। देखिए मैंने पॉइंटर ऑन की जगह पर यहां पर आपका ये हाइलाइटर ऑन हो गया है, कोई बात नहीं है, आप यहीं से ये क्वेश्चन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आंसर्स बनेगा मैंने इसे ज्यादा डार्क कर दिया है तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, मल्हार राव होलकर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, और दोस्तों प्लीज लाइक करिए चैनल को।
देखिए वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स वार क्रिएटेड बाय स्प्लिटिंग द भोपाल डिवीजन इन द ईयर 2008? तो आपको क्लियर करना है, जल्दी जल्दी मुझे बताइए आंसर्स क्या होगा आपका। सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा, जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। देखिए एक सिंपल सा टेस्ट है, उसमें आप सभी लोग अभी तक फंसे हुए रह गए हैं मुझे लग रहा है, बहुत से लोगों का गलत आंसर है यहां पर। देखिए आंसर्स में जो बनेगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, नर्मदापुरम। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? नर्मदापुरम, ये आपको याद रखना है। देखिए 2008 में भोपाल को विभाजित करके जो संभाग बनाया गया था उसका नाम रखा गया नर्मदापुरम, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो आपको क्लियर करना है। निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? चक्र, प्रबोधन, जन्म, त्याग, जल्दी जल्दी बताइए। निम्न में से बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े के प्रतीक के द्वारा दर्शाया गया है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे पाते हैं इस क्वेश्चन का। अमर सिंह कुशबाजी, जय हिंद, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए और चैनल को लाइक जरूर करते रहिए। प्रबोधन, बहुत से लोग इनलाइटमेंट को चुन रहे हैं। देखिए यहां पर जो आंसर्स बनेगा आपके लिए बुद्ध के जीवन के कौन से भाग को घोड़े से दर्शाया गया है, वो है त्याग, जब इन्होंने घर त्यागा था, ठीक है? तो ये घटना घोड़े के द्वारा दर्शाई जाती है, आपको याद रखना है इन चीजों का, ठीक है? यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर डालने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? भारत में पंचायत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, जल्दी जल्दी बताइए। भारत में पंचायत दिवस कब मनाई जाती है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूं मैं ये। चलिए देखिए मैं इसको क्लियर कर दूं आपको, पंचायत दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों को याद होगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो चालू की गई थी 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है? और 1994 में इसको अधिनियम पास कर दिया गया और ये भारत में पंचायती राज लागू हो गई। तो मोस्टली हम 1993 को क्लियर करते हैं। ओके कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आप क्लियर करिए इसको और आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश की पहली बायो मैथेनेशन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ था, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश की पहली बायो मैथेनेशन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ था? गुना, इंदौर, होशंगाबाद, भोपाल, जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर दे पाते हैं इस चीज का। मध्य प्रदेश की पहली बायो मैथेनेशन परियोजना का उद्घाटन हाल ही में कहां हुआ था? गुना, इंदौर, होशंगाबाद, भोपाल। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, भोपाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भोपाल। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका भोपाल बनेगा, है ना? तो ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट बनेगा। मध्य प्रदेश की पहली बायो मैथेनेशन परियोजना का जो उद्घाटन हुआ है कहां हुआ है? भोपाल में हुआ है। ओके तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? तो किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? 1820 में, 1821 में, 1819 में, 1822 में, जल्दी जल्दी कमेंट्स करेंगे मुझे दोस्तों।
बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थापित हुआ था। देखते हैं कितने लोगों के करेक्ट आंसर्स होते हैं। चलिए वेरी गुड, रागनी परियार, राहुल सिकरवार और क्यूटी जैन, मनीषा यादव, दाऊजी गुर्जर, छोटू सिकरवार, सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं तो आंसर जो होगा आपका 1822 ही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर था सभी लोगों का। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया है और अभी तक कोई भी गलत नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1992, 1993 में, 93, 94 में, 1994, 1995 में, 1991, 1992 में। तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से चुनना है और जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताना है। देखते हैं आप में से कितने लोगों के आंसर्स करेक्ट होते हैं। तो जल्दी जल्दी दोस्तों अपने आंसर्स भेजिए मुझे। चलिए जल्दी जल्दी अपने आंसर्स दे दीजिए। देखिए यहां पर जो आंसर्स बनेगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 1992, 1993 में। तो यहां पर जो आंसर्स है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 1992, 1993 में, बिल्कुल करेक्ट है ऋतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अमर सिंह कुशवाहा भी बिल्कुल करेक्ट थे। तो कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1992 से 1993 में, ये आपको याद रखना है। छोटू सिकरवार भी करेक्ट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डालता हूं मैं। किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखंब को राज्य खेल घोषित किया था या कर दिया था? तो किस वर्ष में मध्य प्रदेश ने मलखंब को राज्य खेल घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन थ्री 2012, ऑप्शन फोर 2013। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मलखंब राज्य की खेल कब बना ये बताना है आपको मुझे। यहां पर देवेंद्र सिंह सिकरवार ने दिया है ऑप्शन 2014 और राहुल ने दिया है ऑप्शन फर्स्ट यानी 2011। आप दोनों ही अभी तक गलत हैं। यहां पर मोनू शर्मा बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए मैं आंसर्स आपका क्लियर कर देता हूं इसका। इसका जो आंसर्स बनेगा ऑप्शन डी बनेगा ऑफ 2013। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा 2013। मोनू ने क्या दिया था? ऑप्शन बी चुना था। चलिए मोनू ध्यान नहीं दिया तुम्हारा, क्यूटी जैन का बिल्कुल करेक्ट था, मोनू का नहीं, जल्दबाजी में गलत नाम पढ़ लिया। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा 2013, है ना। तो ये आपको याद रखना है, मोनू गलत था, ये क्वेश्चन आपका गलत है सर। हाँ गलत है, मैंने क्यूटी की जगह आपका नाम पढ़कर आंसर दे दिया है ना, ऐसा हो जाता है। चलिए कोई नहीं, तो 2013 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको देखना है। कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया था इसलिए मिस हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताफी तहकी को किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इतना इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में लगातार पूछा गया, ये एमपीएसआई का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताफी तहकी को किसके द्वारा लिखा गया था? अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी और फिरोज शाह। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों कि किसने लिखा था यह पुस्तक किताब फी तहकीक। चलिए वेरी गुड, देवेंद्र सिंह सिकरवार बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, मोनू शर्मा करेक्ट है। देखिए दोनों लोगों ने अभी बिल्कुल करेक्ट आंसर चुना था, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, अलबरूनी। देखिए आपको पता होगा किताब फी तहकीक जो लिखी गई थी वो अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद डॉट-डॉट की घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो कौन सा भाग जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है? नर्मदा, चंबल, महानदी या गंगा? कमेंट्स करके बताएंगे आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए थोड़े से क्वेश्चन का पैटर्न टफ रखते हैं तो लड़के अपने आप खिसकना चालू कर देते हैं, ये होता है नॉर्मली, सिंपल टेस्ट को सब देना चाहते हैं। चलिए बिल्कुल करेक्ट है, अगर यहां पे बात करें देवेंद्र सिंह सिकरवार बिल्कुल करेक्ट है यहां पर। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो महानदी बनेगा, आप सब लोग जानते भी हैं, मैं भी कई बार तुम्हें बता चुका हूं तो आप लोगों को ये क्लियर भी होगा कि अमरकंटक के पठार से यहां से सोन, यहां से नर्मदा और यहां से महानदी निकलती है,
तो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी है वो मोस्टली महानदी बनती है, उड़ीसा की भी महानदी है, तो यहां से हम बात करें तो ये बहुत बड़ी नदियों में शामिल होती है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तो वो ध्यान रखिए, निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं। तो निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं, क्वेश्चन है। ऑप्शन है निर्गुणी, सांझा, कलगीतुर्रा या रासलीला। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट्स करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी बताइए मुझे सभी लोग। नहीं रागनी, बहुत सही दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इतना तो दिख रहा है साफ। थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते तो थोड़े से छोटे दिखने लग जाते हैं वो। जी रितिक, जल्दी ही ये परेशानी भी दूर कर देंगे, लॉकडाउन खुल गया होता तो अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होता। अब लॉकडाउन के चक्कर में सभी कुछ घर पे ही बैठे हैं तो कुछ हो ही नहीं पा रहा सिलेबस भी, और आपको ये परेशानी आ रही है मैं देख पा रहा हूँ, है ना। चलिए कोई नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, आगे हम ये सारी चीजें दूर कर लेंगे, जब भी हम लाइव क्लास ऑफलाइन भी क्लास लेंगे तब भी, है ना, और तब तक हम ऑनलाइन से ही क्लियर करते हैं, तो आप लोग बने रहिए साथ में। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, निर्गुणी। ये लोग कौन सा गायन गाते थे? निर्गुणी गायन गाते थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ वो देखिए, पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं वहां के बच्चों को कौन सा रोग हो सकता है? दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं वहां के बच्चों को कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है डर्मिस, डर्मेटाइटिस, ऑप्शन सेकंड है रिकेट्स, ऑप्शन थ्री है स्कर्बी, ऑप्शन फोर है नपुंसकता। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों कि आपके सबसे कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए कुछ लोगों ने, देविन सिंह सिकरवार ने सी ऑप्शन दिया है, स्कर्बी। चलिए अभी और लोगों के आंसर्स आने दीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं कि आप लोगों का कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अमर सिंह कुशवाहा ऑप्शन ए दे रहे हैं, डर्मेटाइटिस। चलिए और देख लेते हैं कितने लोगों के कितने आंसर्स आते हैं। चलिए राहुल ने भी ए ही ऑप्शन चुना है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप दोनों ही तीनों जिन्होंने भी अभी तक क्वेश्चन के आंसर दिए हैं सभी गलत है। यहां पर जो आंसर होगा वो होगा रिकेट्स। देखिए रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, और सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी। आप सब लोग दिमाग से समझते हो लेकिन आपका आंसर नहीं क्लियर होता। तो पश्चिमी देश जो बहुत कम सूर्य प्रकाश प्राप्त करेंगे तो वहां के बच्चों को सूर्य का प्रकाश ना मिलने के कारण कौन सी बीमारी होगी? रिकेट्स होगी। ये आपको याद रखना है, जो विटामिन डी की कमी से होता है, सूखा रोग। ओके, तो ये आपको याद रखना है। बाकी के आप सबको याद भी आ गया होगा मोस्टली, मैं बताऊं तो सबका ये गलत जो हुआ है वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ है, आप लोगों ने इसको समझ नहीं पाया क्वेश्चन को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या है? ऑप्शन ए है जीवाणु संक्रमण, ऑप्शन बी है विषाणु संक्रमण, ऑप्शन सी है कवक संक्रमण, ऑप्शन डी है उत्परिवर्तित जीन। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे दोस्तों। जी मनु, वो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ होते हैं ना तो सब गायब होना चालू हो जाते हैं, ये इसी वजह से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए। देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो आपका बनेगा ऑप्शन डी उत्परिवर्तित जीन, ठीक है। देखिए हमेशा से आपको पता है कि हीमोफीलिया जो रोग है वो माता पिता से बच्चों को फैलता है, यानी कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। तो ये क्या होता है? जीन म्यूटेशन होता है, यानी म्यूटेंट होते हैं, ठीक है, ठीके? तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ऑप्शन डी होगा कि हीमोफीलिया जो रोग होता है वो किसी भी जीवाणु विषाणु कवक से नहीं होता, सीधे सीधे उत्परिवर्तित जीन होता है, यानी माता पिता से बच्चों में आता है, और माता पिता से बच्चों में आने के कारण क्या होता है कि बच्चों का रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता, इस कारण से ये बीमारी फैलती है, ठीक है। तो राधे राधे, राधे राधे नीलेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, धर्मेंद्र, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बताइए। देवेंद्र सिंह, जल्दी से कमेंट कर दीजिए देवेंद्र, तो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कोलेस्ट्रॉल क्या है? क्लोरोफिल का एक प्रकार, जंतु वसा में पाया जाने वाला वसी अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म का व्युत्पन्न, क्रोमियम नमक।
तो बताइए कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये तो आप सबका क्लियर होना चाहिए, मेरी समझ से सभी लोगों का करेक्ट होना चाहिए ये क्वेश्चन। मैं पढ़ा चुका हूं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सभी कुछ। जी वेरी गुड, सत्यपाल सिंह भदौरिया बिल्कुल करेक्ट है। क्यूटी जैन, अमर सिंह कुशवाहा, ओके नीलेश बिल्कुल करेक्ट, देवेंद्र सिंह, ऋतिक, मनीषा, ओके सभी, मोनू, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। मैं चेक करा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो जंतु वसा में पाए जाने वाला वसी अल्कोहल है, तो यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जीएम काउंटर को किसके द्वारा किसको ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है, यानी जीएम काउंटर का उपयोग किसे ज्ञात करने में किया जाता है? ऑप्शन ए है नाभिकीय सक्रियता, ऑप्शन बी है भूमिगत जल, ऑप्शन सी है भूमिगत तेल, ऑप्शन डी है कोयला। तो देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आंसर निकलता है यहां पर। तो देखते हैं जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों। आप सभी लोग समझ ही नहीं पाए अभी या को, इसके द्वारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, नाभिकीय सक्रियता को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहां पर, ये आपको समझना है। तो बहुत से लोगों ने इसको बिल्कुल गलत आंसर दिया था। तो जीएम काउंटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, रेडियो सक्रियता को ज्ञात करते हैं। ये आपको याद रखना है कि रेडियो एक्टिविटी या नाभिकीय सक्रियता, आप इसको याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है जीएम काउंटर, जीएम काउंटर हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन कई बार, कई सारे एग्जाम आर्मी जैसे एग्जाम्स में ही पूछा गया है कई बार, तो आपको याद रखना है, ये एसआई का क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरोमीटर में जल के स्थान पर पारे का उपयोग किया जाता है, अब क्यों किया जाता है ये आपको आंसर देना है। तो बताइए पारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है, पारे का घनत्व अधिक तथा वाष्प दाब कम होता है, पारे में चमक होती है इसलिए इसका स्तर आसानी से पढ़ा जा सकता है, पारा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स बताइए दोस्तों कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। आज क्या है, लिंक अभी आपको तुरंत ही तुरंत भेज पाया है, तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ नहीं पाए अभी तक, है ना। तो आप सभी लोग अपने चैनल को शेयर जरूर कर दें दोस्तों को, जिससे उन लोगों को ये वीडियो देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं बता दूं आपका, यहां पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो बनेगा आपके लिए वो ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि देखिए पारे का घनत्व कैसा होता है अधिक और वाष्प दाब कैसा होता है कम, तो ये बिल्कुल करेक्ट होता है। इसीलिए बैरोमीटर के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, पारे का स्थान, पानी की अपेक्षा किसका प्रयोग करते हैं, पारे का उपयोग करते हैं। ओके चलिए इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपको क्लियर हो जाएगा। पवन सहित आपका ही नेट कोई प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर चल रहा है सब कुछ। तो बताइए समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फेरोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, अल्टीमीटर। वेरी गुड ऋतिक, बिल्कुल करेक्ट है फेरोमीटर। ठीक है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, तो मैं इसको चेक करा देता हूं आपको, यहां पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा फेरोमीटर, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो उपयोग करने वाला जो यंत्र है वो फेरोमीटर होगा। वेरी गुड, सभी का करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। निम्न में से कौन से तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है, तो निम्न में से कौन से तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी फ्लूरो फ्लूओरो कार्बन, ऑप्शन थ्री अमोनिया, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। जल्दी जल्दी कमेंट्स करेंगे मुझे। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए क्या हो गया, जल्दी जल्दी कमेंट करिए।
देखिए यहां पर आप सभी लोग अभी तक गलत हैं, तो मैं बता दूं यहां पर जो आंसर होगा वो होगा अमोनिया। हमेशा से हम रेफ्रिजरेटरों में जो तरल को शीतलक की तरह भरते हैं वो किसको भरते हैं? अमोनिया को भरते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। CO2 को नहीं भरते बेटा, इतना ध्यान रखना है ऋतिक वगैरह, आप सब लोग ध्यान में रखो कि CO2 को नहीं भरते। निम्न में से कौन से तरल को शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है? अमोनिया को। अगर आपसे कहा जाए कि फ्रीजर में क्या भरा होता है, तो द्रव फ्रियोन भरा रहता है। कंप्रेसर जो होता है ना, फ्रीजर के नीचे कुंडली होती है जिसके ऊपर पानी की टंकी होती है, उस टंकी में क्या भरा होता है? तो उस टंकी में जो भरा होता है वो फ्रियोन भरा होता है, और अमोनिया को हम इसमें यूज करते हैं शीतलक के लिए। तभी तो ये क्या करता है कि अगर हम बात करें तो शीतलक की तरह किस गैस का उपयोग किया जाता है? अमोनिया का। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग ऑफ द फॉलोइंग कोलोनियन इंसेक्ट्स आर, यानी निम्न में से औपनिवेशिक कीट है, तो कौन सा होगा? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करिए। लोकस्ट, गाय, चीटिया, मच्छर। तो बताइए कौन सी जो जीव है जो कॉलोनी बनाकर रहती है, या कॉलोनी उपनिवेशिक जीव है, थोड़ा हिंदी बड़ा अजीब होता है, कॉलोनियन यानी कॉलोनी बनाकर रहती है। तो आप बताइए लोकस्ट, गाय, चीटिया, मच्छर। अब तो क्लियर कर पाओगे इसको, जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। अब तो मैंने बहुत सॉल्व कर दिया आंसर्स। चलिए तो देखिए, मोनू, रागनी बिल्कुल सही पकड़े हैं, क्यूटी जैन बिल्कुल करेक्ट है, नीलेश, चलिए सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। तो मैं बता दूं, चीटियां देखिए ये लोग अपनी एक कॉलोनी बनाती हैं, अपनी कॉलोनी में उन्हीं लोगों को रखते हैं जो इनके साथ रहता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इनका अपना एक कॉलोनी होता है। ठीक है, तो किसका होता है? चीटियों का। तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा चीटियां, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या बन रहा है आपका? चीटियां बन रहा है। ठीक है, मैं एक बार टिक कर देता हूं यहां पर। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। मॉर्फिन जो एक ड्रग्स है को श्रेणी में रखा जाता है। अब मॉर्फिन को किस श्रेणी में रखा जाता है ये आपको कमेंट्स करना है। प्रतिजैविक, प्रति मलेरिया, रोगाणुरोधक या नार्कोटिक्स। तो बताइए मुझे मॉर्फिन को एक जो ड्रग है उसे किस श्रेणी में रखते हैं? एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियस, एंटी एंसेप्टिक्स और नार्कोटिक्स। तो बताइए क्या आपका आंसर होगा? वेरी गुड नीलेश, कुशवा बिल्कुल करेक्ट है, रितिक बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो देखिए, आप लोग जानते ही हैं नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट होता है, टीवी पर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में जाना भी चाहते होंगे। तो ये हमेशा से क्या करता है, ये ऐसे ही अफीम, गांजा है ना, हेरोइन वगैरह, चरस, इन सबको पकड़ने का जो डिपार्टमेंट होता है, या इस टाइप की जो चीजें होती हैं उनको क्लियर करने का, या उनको सेव रखकर दवाइयों के रूप में यूज करने के लिए, तो ये डिपार्टमेंट किसका होता है? नार्कोटिक्स का होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग है? इंद्रधनुष में बनने वाले रंग, प्रकृति में बनने वाले सभी रंग, श्वेत प्रकाश में फैलने वाले सभी रंग, वे रंग जो दूसरे जो किसी दूसरे रंगों से मिलकर नहीं बनाए जा सकते। तो बताइए प्राथमिक रंग के लिए इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा आपके हिसाब से? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए। ओके वेरी गुड। देखिए अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो आपको ऑप्शन 4 चुनना है, ऑप्शन डी चुनना है, वे रंग जो किसी दूसरे रंगों से मिलकर नहीं बनाए जा सकते। तो जो रंग दूसरों किसी दूसरे रंगों से मिलकर नहीं बनाए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा आपका आंसर। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपकी स्क्रीन पर, और आज के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज करके अगर ग्रुप से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं,
और दोस्तों आप लोगों को अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए और अपनी आंसर शीट भी मुझे भेजिए। अगर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इसी टाइप का चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर दिए, वरना थोड़ा इजी क्वेश्चंस बनाने हैं तो मैं कुछ इजी क्वेश्चंस का टेस्ट रख दूंगा आपके सामने। मुझे जैसे भी आप क्लियर करेंगे वैसे हम आपका टेस्ट ले लिया करेंगे, लेकिन मोस्टली आप लोगों को एक लेवल अपना चेक करके चलना है और थोड़ा सा एक हार्ड लेवल पर देते रहेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे। आप कठिन से कठिन क्वेश्चन या पेपर को भी क्लियर करना चालू कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं अभी। 30 आउट ऑफ, आप मुझे सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट्स करिए जी मोनो। लेकिन यहां पर लोग नहीं समझते हैं और सिंपल क्वेश्चंस के लिए तो बने रहते हैं साथ में, वरना बीच में से गायब होने चालू हो जाता है, तो ये चीजें ना हो वो ज्यादा अच्छा होता है। देवेन, दो गलत हुए, ओके कोई बात नहीं, चलिए दो गलतियों से कोई बड़ी बात नहीं होती, एक आध गलतियां तो हम सबसे होती है ना। बहुत ही अच्छी लगी सर, पवन आर्या, थैंक यू पवन। चलिए देवेंद्र के 30 में से 28 मार्क्स थे, तो आज अभी तक का मुझे जो मार्क्स किसी ने भेजे हैं वो देवेंद्र ने ही भेजे हैं अभी तक। देखते हैं और कितने स्टूडेंट्स अपने मार्क्स मुझे भेज रहे हैं, तो उसके बाद मैं इसे डिक्लेयर कर देता हूँ। मनीषा, जल्दी ही पे वाली क्लास भी ले लेंगे और आप लोग उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं कल ही इसका मेमोरेंडम बनाकर आपको सब कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा और परसों से हमारी लाइव क्लास हम स्टार्ट कर देंगे अपने आपके लिए, ठीक है? और वो एक स्पेशल क्लास रहेगी, दोनों तरह की अच्छी क्लास थी। चलिए बढ़िया है, आप लोग क्लियर कर रहे हैं सभी लोग। चलिए अभी तक देवेंद्र सिंह सिकरवान ने बिल्कुल करेक्ट आंसर चुने थे और सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं, तो धन्यवाद आपका। और आप सब लोग भी इनको शुभकामनाएं और बधाइयां दे सकते हैं। आज का टेस्ट टॉप किया है देवेंद्र सिंह सिकरवान ने, तो आप हमेशा से खुश रहें और लगातार इसी तरीके से अपने टेस्ट में अच्छे नंबर्स लाते रहें, और मोस्टली टेस्ट ही नहीं, आप निकट भविष्य में जल्दी ही अपने किसी एग्जाम्स को क्वालिफाई करें, ठीक है? जो भी आप चाहते हैं वो चीजें, तो क्लियर करते रहिए। चलिए बढ़िया, इसके साथ में हम क्लास को करते हैं आज फिनिश। तो जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। ओके।